हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस ट्यूटोरियल। वी वॉज सीइंग इन द लास्ट वीडियो यूजर इनपुट एंड टाइप कास्टिंग, और इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। तो पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में हम कंडीशन लगाते हैं। ये रहा हमारा पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ इफ एल्स एलएफ एल्स कंडीशन। हम तीन तरह के आज स्टेटमेंट देखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल एलएफ एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहला हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हम यहाँ कंडीशनल एक्सप्रेस यूज करेंगे, सेमी कॉलन, और फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन देंगे, और जो हमें आउटपुट देना है वो हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन में देंगे। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे है ए इज इक्वल 10, इफ के बाद एक सिंगल स्पेस है। अगर हम इसे सिंगल स्पेस नहीं देंगे तो इसे पता नहीं चलेगा कि हमारा ये कंडीशन यहाँ पर इसे यूज करना है, एग्जीक्यूट करना है, और फिर सेमी कॉलन। सेमी कॉलन देने के बाद जो ये हमारी नेक्स्ट लाइन है, हमने एक टैब का स्पेस दिया है। अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो ये इंटेंशन के साथ अगर करके पता नहीं चलेगा कंडीशन कहाँ से इसको स्टार्ट करना है। तो इसमें हम कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। हम एग्जांपल करके देखेंगे। फिर इफ एल्स है। इफ एल्स जैसे यदि हम कुछ करते हैं, ट्रू हुआ, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ओनली ट्रू के लिए हमने इफ का यूज किया था। अगर ट्रू नहीं हुआ तो कुछ जो दूसरा वैल्यू आएगा वो एल्स में आएगा। और जैसे हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कब करते हैं, जो हमें बहुत सारी कंडीशन लगानी हो। सपोज जैसे हम किसी स्टूडेंट का मार्क्स निकाल रहे हैं, उसके परसेंटेज निकाल रहे हैं, या कोई अदर कंडीशनल स्टेटमेंट हमें यूज करनी है जिसमें हमें बहुत सारे कंडीशन देने हैं, उस केस में हम एलिफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू एक पाइथन में कैलकुलेटर सिंपल सा बनाएंगे और देखेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पाइचार्म ओपन करेंगे, और ये मैंने एक पहले से इफ कंडीशन की ले ली है। अब मैं कोड टाइप करूँगा। ये हमने कोड टाइप कर लिया है, और अब हम इसे कंट्रोल शिफ्ट F10 के साथ प्रेस करके रन करेंगे। ये हमने रन किया तो ये हमारा आ गया इवन नंबर। सपोज हम इफ़ के बाद अगर हम ए की स्पेसिंग हटा देते हैं तो ये कंडीशन लगानी है इसे पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हम ये फिर लगाएंगे। और ये जो इंटेंडेंशन एरर के लिए हम ये एक टैब यूज कर रहे हैं, अगर हम इस टैब को भी हटाते हैं तो देखिए कौन सी एरर आएगी। आपको मैं शो करके दिखाता हूँ। ये देखिए इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। तो इसलिए हम यहाँ पे एक टैब देंगे, नहीं तो ये इंटेंडेंशन ब्लॉक की एरर आएगी। ये इवन नंबर हमारा आ गया। अब हम चाहते हैं कि इवन आए, इवन नहीं आया तो कुछ और वैल्यू आए, तो एल्स। अब हम इसी में एल्स देखेंगे। इफ का यूज जो है हम ऐसे भी कंडीशन के लिए करते हैं कि अगर वो कंडीशन कंप्लीट होती है या ट्रू होती है तो हमें आउटपुट मिले, तो हम ओनली इफ कंडीशन का यूज करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इफ कंडीशन जो हमारी है वो कंप्लीट नहीं हुई है तो हमें कुछ और स्टेटमेंट मिले उस केस में, तो हम इल्स का यूज करेंगे।
और हम यहाँ इफ के बाद एक एल्स लगा देंगे, एल्स, और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट जो स्टेटमेंट हमें चाहिए। सपोज हम यहाँ पे ऑड ले लेते हैं, अगर हमें इवन ना मिला तो ऑड नंबर मिल जाए। और हम यहाँ पे अभी 2 से डिवाइड कर रहे थे, हम अब 3 या 1 से कर देंगे और इसे कंट्रोल F10 कर देंगे। ये देखिए, अब हमारा जो पहली स्टेटमेंट थी इवन नंबर की, वो ट्रू नहीं हुई। अगर वो ट्रू नहीं होती तो दूसरी कोई स्टेटमेंट आती, तो वो अब ये ऑड नंबर की आएगी। पहले क्या होता था, पहले इफ कंडीशन चेक करता था, प्रिंट इवन आता था, लेकिन इसमें, इस केस में हमारा जो ये पहली कंडीशन है ये फेल हो गई, तो एल्स में गए और वो प्रिंट कर दिए। हमने इफ कंडीशन देख ली और इफ एल्स के साथ देख लिया कि अगर इफ कंडीशन वैलिडेट नहीं होती है तो एल्स प्रिंट हो जाएगा। अब हम इलिफ देखेंगे और इसी के साथ हम अपना एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे कैलकुलेटर का। हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, कैलकुलेटर बनाने के लिए हम सबसे पहले उसके फंक्शन को इमेजिन करेंगे कि कैलकुलेटर में मेनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होगा। तो हमें 4 ऑपरेटर चाहिए अर्थमेटिक, और जैसे हैं हमें 2 वैल्यू एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम 2 वैल्यू एंटर कराएंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर प्रिंट कराएंगे, प्रिंट मल्टीपल ले लेते हैं, सबसे पहले ऐड करा लेंगे, फिर हम माइनस सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट के बाद हम मल्टीप्लिकेशन, ये हमने ऑपरेटर्स के लिए कमांड लिख लिया है। अब हम 2 वैल्यू इनपुट करने के लिए हमने जैसे नंबर फर्स्ट इज इक्वल इन टाइप, और इस पर हम टाइप कास्टिंग कर देंगे इनपुट। अब हमें इंटर कराना है TNT और एक्टर द वैल्यू फर्स्ट। उसी तरह हम सेकंड लिख लेंगे और अब हम ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए OPR इज इक्वल हमारा जो ये इनपुट है, इनपुट हम एंटर करा लेंगे यूज़र से, एंटर द OPR कि कौन सा ऑपरेशन वो करना चाहता है। फिर उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे, इफ ऑपरेशन इज इक्वल पोस्ट एडिशन, अगर वो एडिशन करना चाह रहा देन प्रिंट, क्या क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पे हम पहली वैल्यू को दूसरी के साथ ऐड करा देंगे। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट
ऑपरेटर्स को भी लिख लेंगे। और हम सम में माइनस मल्टीप्लिकेशन और ये डिवाइड, सपोज हम एग्जीक्यूट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट F10 के साथ, ये हमें क्या दे रहा डब्ल्यू इन कॉल प्रिंट 1 मिनट। दोस्तों ये मैंने प्रोग्राम लिख लिया है, अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट F10 के साथ, और सबसे पहले ये हमें ऑपरेटर शो कर देगा इंटर द वैल्यू फर्स्ट, सपोज हम 10 इंटर करते हैं, सॉरी ये हमने 10 इंटर किया, सेकंड वैल्यू हमने 20 इंटर की। अब हमसे ये पूछा जाएगा यूजर से कि आप क्या परफॉर्म करना चाहेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सपोज हम मल्टीप्लिकेशन सेलेक्ट करेंगे और एंटर, ये देखिए 200 आ गया, 10 मल्टीप्लिकेशन 20 200। अब यूजर इन चारों में से कोई ऑप्शन चूज ना करके कोई दूसरा ऑप्शन चूज करता है तो उस केस में क्या होगा, हम फिर से रन करेंगे और हम पहले वैल्यू एंटर करेंगे 5, नेक्स्ट 2, और इस बार हम ऑपरेशन में हम कोई दूसरा फंक्शन देते हैं, ये देखिए कुछ भी आउटपुट शो नहीं किया क्योंकि एल्स स्टेटमेंट है ही नहीं, ये इफ में गया चेक किया, एलएफ में चेक किया कहीं नहीं मिला, बट हैज़ तो इस फंक्शन में है ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि क्या शो करना है, तो उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पे हम एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे प्रिंट इसके अंदर हम डाल देंगे इनवैलिड ऑप्शन, इनवैलिड ऑप्शन। अब हम इसे रन करेंगे फिर से, हम पहली वैल्यू एंटर करेंगे 5, सेकंड वैल्यू 2, और हम रॉन्ग कंडीशन देंगे एट द रेट दिया, ये देखिए इनवैलिड ऑप्शन जो, अगर हम चारों में से अदर ऑप्शन कोई चूज करते हैं तो इनवैलिड ऑप्शन, क्योंकि अभी तक क्या था इन एल्स नहीं था तो वो कुछ भी शो नहीं कर रहा था, बट हमने उसे एक एल्स स्टेटमेंट दे दी कि अगर इन चारों में से कोई नहीं चलता है तो एल्स स्टेटमेंट चलेगी जो कि ये शो कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि इसी प्रोग्राम को हम इफ कंडीशन के साथ भी कर सकते हैं, जैसे इफ एल्स कंडीशन है तो हम उसके साथ भी इसको कर सकते हैं, बट एलिफ का यूज हम क्यों करते हैं, इफ कंडीशन का यूज करेंगे तो उससे जो प्रोसेस है वो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा और जो एग्जीक्यूशन में टाइम है वो भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसे हर स्टेटमेंट में जाके चेक करना पड़ेगा। और एलिफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि जैसे हमने एडिशन चूज किया और उसे पहले ही मिल जाता है तो वो एंटर करके बाहर आ जाएगा, बट इफ कंडीशन में क्या है वो हर वैल्यू को चेक करेगा और उसके बाद वो बाहर आएगा। तो हम इफ कंडीशन का यूज करके और फिर देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दूँ और एक प्रिंट, एक ब्लैंक प्रिंट यूज कर लेता हूँ, या ब्लैंक हम एक दूसरी
ठीक है। एक हम दूसरी फाइल क्रिएट करते इफ कंडीशन के लिए डॉट पी वाई, और इसके कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमने किया यहाँ पेस्ट, और हम इनमें सिर्फ इफ कंडीशन चेक करने समय। सपोज हमें यहाँ पे एडिशन कराना है तो वही स्टेटमेंट तो यहाँ ट्रू हो जाएगी, बट उसे ये सारे स्टेटमेंट भी चेक करना पड़ेगा, जिसके कारण ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, बट मैं आपको करके दिखाऊंगा। और सपोज अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको एल्स स्टेटमेंट को हम कमेंट कर देते हैं। तो मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाया, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये फर्स्ट वैल्यू मैंने डाला 2, सेकंड वैल्यू 5, और ऑपरेशन हमें करना है एडिशन, ये आया 7। ये हमारा एडिशन था। अब हम फिर से एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। हम फर्स्ट वैल्यू डालते हैं 20, सेकंड वैल्यू डालते हैं 5, और इस बार हम कराते हैं डिवीज़न। ये देखिए हमारा डिवीज़न भी हो गया है, और हम चाहते हैं कोई दूसरी वैल्यू डाल के देखें क्या हमें आउटपुट में आता है। हमने फर्स्ट वैल्यू डाली 7, सेकंड वैल्यू हमने डाली 3, और एंटर किया। ऑपरेशन के लिए हमने दूसरा कुछ ऑप्शन दे दिया, सपोज मैं एट द रेट देता हूँ और एंटर। एल्स था ही नहीं तो उसने कुछ आउटपुट दिया ही नहीं। तो हम एल्स स्टेटमेंट को फर्स्ट वैल्यू 2, सेकंड वैल्यू 2, और ये हम हैज़ देते हैं इनवैलिड ऑप्शन। अब हम चाहते हैं कि ये ऐसे ना देखे, एल्स को हम दूसरे फॉर्मेट में यूज करते हैं, और उससे पहले हम यहाँ पे एक इफ और कंडीशन लगाते हैं कि इन चारों को ही वो एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज वो प्रिंट इनवैलिड करें। तो हम यहाँ पे एक और देंगे इफ और पी आर ऑपरेशन नॉट नल के साथ, कि अगर ये ना हो इन चारों में से जो हमारे ऑपरेशंस हैं तो वो इनवैलिड प्रिंट कर दें। हम एल्स यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम इफ कंडीशन के साथ ही आपको दिखाएंगे। नॉट नल इज इक्वल हमारा एडिशन एंड ओपी आर ऑपरेशन नॉट नल इज इक्वल हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नॉट नल इज इक्वल सॉरी और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम
एंड लगा लेंगे। और इन चारों में से अगर नहीं चलेगा तो वहाँ पे प्रिंट कर देगा उस केस में इनवैलिड ऑप्शन। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F10। अब सपोज हमने फर्स्ट वैल्यू लिया 25, सेकंड वैल्यू 25, और ये पहले मैं एडिशन करा लेता हूँ। सपोज ये हमने एडिशन कराया, ये चल गया 25 प्लस 25 50। इसी को हम चलाएंगे अदर ऑपरेशन में, फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड वैल्यू 20, और ऑपरेशन हम कराएंगे एट द रेट। ये देखिए, अगर इन चारों में कुछ नहीं मैच कर रहा तो इनवैलिड ऑप्शन। हम इफ़ कंडीशन के थ्रू भी बना सकते हैं, बट इफ़ कंडीशन में क्या होगा, वो पहले इस वैल्यू को चेक करेगा, अगर उसको यहाँ मिल जाता है उसके बाद भी वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, उसको चेक करेगा और फिर हमें आउटपुट देगा। बट यही एलिफ में ऐसा नहीं है, अगर उसे जहाँ पे मिल जाता है तो वहाँ पे वो ब्रेक करके बाहर आ जाता है। तो ये था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन जो हमने देख लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।